देखो फ्री कंसेंट पढ़ रहे थे अपन, फ्री कंसेंट में था कोएर्शन। देखो कोएर्शन इज थ्रेट और फोर्स, डराना या जबरदस्ती, फोर्स यूज्ड बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर कंपेलिंग हिम टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट में आने के लिए फर्स्ट पार्टी जब सेकंड पार्टी को फोर्स कर रही है ना, या उसको थ्रेट डरा धमका के लेके आ रही है, तो उसको बोलते हैं कोएर्शन। नेक्स्ट देखो, सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कोएर्शन एज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। मतलब ऐसा कुछ काम करना या डरा के कुछ ऐसा काम करवाना, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, ठीक है, डरा के कुछ ऐसा काम करवाना जो फॉरबिडन है, किसमें, इंडियन पीनल कोड में। फॉरबिडन मीन्स अनलॉफुल, है ना, और अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब किसको डिटेन करके रखना है, जबरदस्ती अपने पास रखे रखना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, किडनैपिंग वगैरह होती है ना, डिटेन करके रख लेना अपने पास, या किसी का सामान रख लेना अपने पास, टू या किसी की प्रॉपर्टी को, टू द प्रेजुडाइज ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये सब क्यों करना, कोएर्शन का यूज क्यों करना, कि सामने वाला एक एग्रीमेंट में आए। नेक्स्ट देखो, कंसेंट ऑब्टेन एट द पॉइंट ऑफ पिस्टल और इंटिमिडेशन या क्या, थ्रेट ऑफ इम्प्रिजन मीन्स जेल की सजा देना, एंड थ्रेट टू कमिट सुसाइड विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इज एन एक्ट ऑफ कोएर्शन। ठीक है, तो ये सब कोएर्शन के एक्ट है। नेक्स्ट देखो, एज ए शील्ड्स ऑफ कोएर्शन देयर मस्ट बी क्लियर थ्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट, द थ्रेट शुड बी टू कमिट एन एक्ट ऑफ फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, अगर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है तो वो कोएर्शन नहीं होगा। एसेंशियल मीन्स क्या होता है, मस्ट, फीचर्स भी बोल सकते हैं या नेचर भी बोल सकते हैं। इट मस्ट बी अटर्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि सामने वाले को एग्रीमेंट में लाने के लिए ही हम क्वेश्चन का यूज कर रहे हैं, तो एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देखो ये आपके काम का नहीं है एग्जाम में, बट अगर आप चाहो तो, अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं मीनिंग में कि क्या ऐड करें, तो आप ये कुछ कुछ ऐड कर सकते हो। थ्रेट टू फाइल अ सूट, कोर्ट केस कर देना, ठीक है, मतलब गलत चार्जेस लगवाना, अनलेस द सूट इज ऑन फॉल्स चार्ज। नेक्स्ट, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। अब इफेक्ट देखो क्या होता है कोएर्शन का, इफेक्ट ऑफ कोएर्शन क्या होगा। सेक्शन 19 प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट कंसेंट टू व्हिच इज ऑब्टेन बाय कोएर्शन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ये मैंने शायद कल भी बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेकेंड पार्टी के लिए क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल क्या होता है, मूव ऑन कर जाना उस कॉन्ट्रैक्ट से या फिर बैकआउट कर देना। तो वॉइडेबल एक तरीके का एक ऑप्शन होता है किसके पास, सेकेंड पार्टी के पास, जिसके साथ जबरदस्ती की जा रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए। इट लाइज ऑन द पार्टी हु वॉन्ट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ली ऑफ कोएर्शन। ठीक है, ये किसके ऊपर आता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से मूव आउट करना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कोर्ट में बोलता है कि मुझसे कोएर्शन जबरदस्ती की गई थी कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में आऊं, तो जो प्ली फाइल करता है कोर्ट में, तो उसको प्रूफ बताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपके काम का एक ही इफेक्ट था ये वाला, देखो ये वाला। नेक्स्ट देखो, यहां तक डाउट है कोएर्शन में, ठीक नो मैम।
है, आप लोग एग्जाम में ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करना, वॉइडेबल। अगर आप लोग फ्री कंसेंट के साथ वॉइडेबल नहीं बताएंगे तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वॉइडेबल भी सिर्फ चार में आएगा, जो फिफ्थ वाला था मिस्टेक वाला, उसमें क्या हो जाता है, वॉइड, याद रखना, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। अरे बताओ, नहीं है मैम, नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? एंड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस करना सामने वाले को। अब देखो, इन शॉर्ट अपनी पोजीशन का फायदा उठा के सामने वाले को डोमिनेट करना, ठीक। अपनी पोजीशन का फायदा उठा के सामने वाले को डोमिनेट करना, वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड मीन्स इफेक्ट करना, है ना, या फिर उसका इन्वॉल्व होना। बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन, जहाँ पे रिलेशन बता रहा है किस टाइप का, बिटवीन, वेयर द रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। दो पार्टीज हैं तो एक पार्टी इस पावर में है या पोजीशन में कि वो इसको डोमिनेट कर पा रही है, बोलते ना पैसा मतलब मनी, फिर पावर जिसके पास होता है उसकी चलती है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पावर है उसके पास मनी भी हो, याद रखना। सपोज इंडिया में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसमें सैलरी ज्यादा नहीं है लेकिन पावर है कि नहीं उस पोस्ट में, बताओ, हाँ मैम, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग रखना, अलग मतलब समझना, मनी अलग होता है पावर अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है जिसके पास मनी है तो उसके पास पावर हो, या जिसके पास पावर है तो उसके पास मनी हो। जैसे मूवीज में डायलॉग सुनते होगे ना, जब दोनों मिलते हैं तो मनी प्लस पावर अगर मिले तो क्या होता है, बताओ क्या होता है मनी प्लस पावर? पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एनदर। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एनदर। तो देखो कैसा पोजिशन और किस टाइप का डोमिनेंस होगा, है ना। तो ये पोजिशंस को वो डिस्कस कर रहा है कि सामने की विल को कैसे हम डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना सामने वाले को, हाउ। तो पहली सिचुएशन देखो, वेर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर या एक्यूज, या इनकम टैक्स एंड ऑफिसर इन रिलेशन एंड एसएससी। तो ये देखो, ये जॉब से रिगार्डिंग है, मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है। तो एक ओनर अपने सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपनी पोजीशन का फायदा उठा सकता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेयर ही होल्ड्स अ रियल अथॉरिटी, जो दिखती है ना दूसरे के ऊपर, ये अथॉरिटी दिख रही है। पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं और अक्यूज होते हैं, ये आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि फाइल्स वगैरह साइन वगैरह करने के लिए भी, फाइल आगे बढ़वाने के लिए भी पब्लिक ऑफिसर्स और अक्यूज। ये मूवी देखी है, कुछ लिखा मैंने स्क्रीन पे मूवी का नाम, देखा आप लोगों ने मैम देखिए, पर याद नहीं आ रहा। मूवी देखी है? एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें गांव की विलेज की सिचुएशन होती है ना, ठीक है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उस मूवी के अकॉर्डिंग,
वो बोलते हैं ना फाइल आगे ही नहीं बढ़ती है, साइन एक साइन के चक्कर में फाइल रुकी रहती है, तो उसको बोलते हैं और पब्लिक ऑफिसर एंड एक्यूज्ड रिलेशनशिप। ये देखो इनकम टैक्स अगर हम पे करते हैं ऑफिसर इन रिलेशन एंड एसएससी, तो इसमें भी होता है। अब एक होता है ये तो देखो मास्टर और सर्वेंट वाला था। सेकेंड देखो वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? लाइक फादर एंड सन, ये फादर मैनिपुलेट कर सकते हैं ना अपने बेटे को, लाइक गार्डियन वार्ड को, डॉक्टर कर सकता है ना अपने पेशेंट को, कर सकते हैं कि नहीं? जो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हो तो सामने वाला इजिली मैनिपुलेट होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा मैम। नेक्स्ट वेर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली इफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज। ये मैंने कल बताया था अनसाउंड माइंड ओल्ड एज वाला, ठीक है, फिर इलनेस और मेंटल और जो भी। तो ऐसे सिचुएशन में भी सामने वाले को मैनिपुलेट किया जाता है। मेक्स देखो आप लोग इतना डीप में मत लिखना, ठीक, सिंपल सिंपल पॉइंट्स को लिखते जाना आप लोग। जैसे इसके प्रीवियस वाले पॉइंट में आप एग्जाम में आप कैसे मेंशन करना, सिर्फ इतना भी लिखोगे ना काम चलेगा। वेयर ही होल्ड्स अ रियल अथॉरिटी ओवर फॉर एग्जाम्पल मास्टर एंड सर्वेंट, खत्म। सेकेंड वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टू द अदर, एग्जाम्पल लाइक फादर एंड सन एंड डॉक्टर एंड पेशेंट, इतना लिख के खत्म कर सकते हो। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड लिख सकते हो, खत्म, बस ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। ड्रंकननेस, वो जो कल एक्सप्लेन किया था ना, हिप्नोटिज्म, मेंटल डिकिंग, तो बस उसको लिख सकते हो। इतना मतलब अपने ओन वर्ड्स में लिखना, ये इतना डीप में मत लिखना जैसे इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अगर एक आध पॉइंट मिस भी कर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इफेक्ट देखो क्या लिखा है इसमें, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, अवॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, अवॉइडेबल रहता है ऑप्शन, ठीक है। तो ये इफेक्ट है, देखो ये सब तुम्हारे काम के नहीं है, सब मत लिखना, बस ये लिखना ये वाला अनवॉइडेबल वाला। ये मैंने बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप अवॉइडेबल वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो आप क्या करना, मैं को एक अच्छा वे बता रही हूँ, जब आप व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री करके जब आप एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है, तो जब फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने क्या कोएशन, तो अब जैसे आपने कोएशन की मीनिंग लिखी, ठीक, फिर ये बताना कि वॉइडेबल है। थर्ड आप उसके एलिमेंट्स बताना एसेंशियल, ठीक है, और दो तीन कुछ पॉइंट्स आ जाए तो बस, तो एक से डेढ़ पेज में खत्म कर देना क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस स्टार्ट करना, उसका मीनिंग लिखना, इसके जो मैंने आपको भी इफेक्ट्स बताए अच्छे से पांच छह लाइन में डिस्कस करना, एक दो तीन लाइन वॉइडेबल के लिए लेना, एक पेज में हो गया खत्म। नेक्स्ट आ रहे समझ में कैसे लिखने बोल रही हूँ आंसर को? जब तक yes, ma'am. आपको एग्जाम में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछता है, देखो वैसे पूछिएगा नहीं, कभी कभी देखो क्वेश्चन सिंगल पूछ लेगा, यहाँ सिंगल अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो वैसे पूछेगा नहीं आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको सिर्फ फ्री कंसेंट ही पूछेगा और आपको फ्री कंसेंट में ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इतना डीप में मत जाना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब ऐसे नहीं कि चार लाइन लिख के छोड़ के आना, एटलीस्ट एक पेज तो लिखना, एक से डेढ़ पेज, कट टू कट पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट देखो इसमें ये सब हटा देना, बुक में भी अगर दिया होगा तो मत पढ़ना ये सब, पारदर्शी लेडीज वगैरह जो भी। नेक्स्ट देखो, ये देखो ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस सस्पेक्टेड व्हेन, देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया, पारदर्शी, अनफेयर बार्गेन, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बुक में नहीं होगा आपके पास ये। मैम ले लिया। आगे बढ़ाओ स्लाइड, आगे बढ़ो। यस ठीक। नेक्स्ट देखो, ये देखो डिफरेंस बिटवीन, देखो
क्वेश्चन और अंडू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बिटवीन, तो ऐसे भी अगर आप लोग वहां पे बना के आओगे ठीक है तो मार्क्स अच्छे रहेंगे. ऑब्टेनिंग द कंसेंट इसमें कैसे लेता है, कमिट या डरा के, और इसमें डोमिनेट करके. फोर्स ये फिजिकल है, ये मेंटली है, मतलब पोजीशन का फायदा उठाना ना, सामने वाले को मैन्युपुलेट करना होता है इसमें. ये देखो प्रिजम्पशंस, इसमें कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, और ये कोर्ट में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ जाता है कि उसे अपने पोजीशन का फायदा उठाया है. नेचर ये क्रिमिनल में आता है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी में नहीं आता है, ये ना एक तरीके से मोरल रहता है, अपमत आओ उसके फोर्स में ठीक है. तो अगर आपको नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है अपमत हो. अरे मूवीज मूवीज नहीं देखते हो क्या तुम लोग? बताओ मैम, आपकी ऑडियो ऑफ है, म्यूट है मैम. हाँ मैंने पर्पसली म्यूट किया, एक फैकल्टी आई हुई है क्लास में, एक मिनट वेट करो. ठीक है अब देखो ये फ्रॉड पे कोएर्शन और इस पे अंडू इन्फ्लुएंस पे कोई डाउट है किसी को? ठीक है अब नेक्स्ट देखो फ्रॉड. फ्रॉड की मीनिंग मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है किसी को. फ्रॉड समझाना है क्या, फ्रॉड क्या होता है? नो मैम. फ्रॉड की मीनिंग पता है, फिर भी देखो. इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट. देखो फ्रॉड में ये एक्ट को डिफाइन कर दिया, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है यहाँ उसके एजेंट, उसमें क्या होता है विथ इंटेंट टू, आपकी मीनिंग में आपके काम का वर्ड क्या है देखो, विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू, उसको या फिर उसके एजेंट को, ऑफिस एजेंट. ठीक है डिसीव करना या फिर उसको जिससे कि वो इंड्यूस हो कि वो किस में आए, कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक अब देखो इसमें क्या होता है, जो सजेशंस होते हैं या फैक्ट्स होते हैं वो सही नहीं होते हैं. नेक्स्ट एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट. कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट मीन्स छुपाना कुछ फैक्ट्स को, या राज बोलते हैं ना उन सबको छुपा के रखना, राज ऐसे लिखते हैं राज. बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट अ प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट. ठीक है आप सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो हाँ हाँ मैं कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किया कुछ नहीं.
Either an other act fitted to deceive, किसी को धोखा देने के इरादे से. Next, any such act or omission. Omission क्या होता है? Omit. Omit से बना है omission. ठीक है, omit क्या होता है? मीनिंग बताओ जल्दी से, बच्चे नहीं हो, जल्दी बताओ. बताओ तो हितैषी, कुछ अच्छी धमाके वाली मीनिंग ओमिट की. मैम सिलेबस में हम लोग को जो नहीं पढ़ना रहता था उसको ओमिट कर देते थे, उसको ओमिट कर देते थे. हाँ, कॉन्टेक्स्ट में जो इंक्लूड नहीं होगा उसको. क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट में जो मैम जो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब वही जैसे हम लोग का सिलेबस में जो नहीं रहता था उसको ओमिट कर देते थे, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो यहाँ पे ओमिट का मतलब है द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग समबडी. ठीक है, द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग समबडी, तो वो हो जाएगा ओमिशन. ठीक है, तो एक कुछ ऐसी पार्टी को इन्वॉल्व करना जिसको सच जानना बहुत जरूरी है, तो हम उस पार्टी को ना ही इन्वॉल्व कर रहे हैं और ना ही हम उनको कुछ बता रहे हैं, तो एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग समबडी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो. ये सब देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, जो ब्लैक से लिखा है ना, बस वही तुम्हारे काम का है. ये देखो, द सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. नेक्स्ट देखो, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट. सामने वाले को कुछ नॉलेज है बट वो उसको छुपा रहा है, एक्टिव कंसील कर रहा है फैक्ट्स को. नेक्स्ट देखो, अ प्रॉमिस मेड, थर्ड वाला, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज फ्रॉड. ठीक है, या फिर कोई दूसरा एक जो लगता है कि वो सामने वाला उसको क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है, डिसीव. नेक्स्ट देखो, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट. कोई ऐसा काम करना जिसमें लॉ स्पेशली डिक्लेयर किया है कि वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, बस ये ब्लैक से जो लिखा है ना, ये आपके काम का. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो बोलोगे तो ये पीपीटी मैं आप में से किसी एक को सेंड कर दूंगी, फिर आप लोग फॉरवर्ड कर दे रहे हैं एक दूसरे को.